मैंने उस पर रोज बोल रहे सीख दिया याद है ये तो पढ़ो कि मेरी गवाही भी है और आपके लिए उस साहित्य वर्ष अपने आप को दिशा मिलेगा लूका 11:41 परंतु हाँ भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा मेरी इस बात पर गवाही है ये सच है और मैं और मेरी पत्नी हर महीने इस वचन को लंबे समय से कहते हैं और ब्रदर जेश को पता है कि हमने बहुत तंग हालातों में दिन गुजारे बहुत तंग लेकिन आज परमेश्वर अपने दसवंतों से हर माह ज्यादा से ज्यादा दसवंत निकलवाता है वास्तव में ये सच है ये चीजें हम सीखते नहीं ये चीजें हमारी आत्मिक ग्रोथ को बढ़ाती हैं अगर आपको सचमुच आत्मिक जीवन जीना है तो ये जो वचन है ना लोग कहेंगे कि लोग कहीं मैंने एक सज्जन थोड़े दिन हो गए बोले लंगर लगाने से कुछ नहीं होता है दान देने से कुछ नहीं होता है वो गलत कहते हैं ये बात आपको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये बात आपको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इसलिए इन बातों को करना है इसलिए इन बातों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में करना है आप जब उपवास रखते हो तो आप अपनी रोटी भूखों को दो वो भी आपको शुद्ध करे अपना कपड़ा नंगे को दो वो भी आपको शुद्ध करे ये शुद्धिकरण के वचन है और यही कहीं पर हम लोग भूल कर जाते कल एक बेटी बोला था हम तो जॉब करते हैं हम झूठ कैसे बोले है ना हमें झूठ बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा झूठ का मतलब क्या है पता है झूठ का मतलब है शैतान की संतान बनना आप पूरा दिन भागते रहो यीशु के पीछे और शाम को एक झूठ बोल दो क्या होगा अगर इसको देखना हो ना तो आप देख सकते हैं यूहन्ना की किताब 8:12 उसकी 42-45 है यीशु मसीह कह रहा है कि जो झूठ बोलती है वो शैतान का पतंदर है इसलिए ये जो छोटी छोटी आयतें लगती हैं लेकिन इनके महत्व बहुत बड़े हैं इसलिए अपने अपने जीवन साथियों के साथ में जो शादीशुदा हैं वो इन कामों को जरूर करें अपने जीवन साथी और अपने सिखाने वाले के साथ में मैं छोटी सी कलीसिया लगा रहा हूँ 30 साल से काली भाई राजेश बोल रहे थे हम इकट्ठे निकले थे और आज भी वही है हम नहीं भागे हैं लोग चाहे हजारों भाग गए हजारों आए हजारों चले गए बहुत चंगाइयां हुई लोगों इतना शोर मचा रहे वो भाई साहब बैठे ऐसे ऐसे उंगली लगाए तो कंगे हो जाते हैं लोग क्यों नहीं भाई उंगली लगाने से लोग चंगे हो जाते थे लेकिन वो कैसे होता था इन वचनों के द्वारा आपको एक अच्छे अगुवे मिले हैं जो इतना प्रबंध कर रहे हैं नहीं तो आज कोई नहीं कर रहा इसलिए जो सुन रहे हो मेरी बहनों उसे बुद्धवान स्त्री की तरह सुनो ताकि आपके जीवन में बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट बनी हो इन्होंने तो कह दिया कि चर्च बड़ा होगा कि आप सहयोग देंगे उनका सीख के भाग जाएंगे जब सीख के भी भाग जाएंगे तो आपने अपने लोगों का आदर नहीं किया आपने अपने अबुए का आदर नहीं किया और इसमें लिखा हुआ है बाइबल में कि अपने सिखाने वाले का दुगना आदर करना इसलिए सबसे पहले ये चीज सीखो कि अपने दान दस मंथ के बाद अपने घर में से किसी को खाना खिलाओ किसी को कपड़ा दो हो सके तो पैसा ना दो पैसा बेशक ना दो कई बार कैसे पैसे का अगर करते हैं दूसरे लोग शराब पी जाते अभी किसी को दे सकते हो 10 किलो आटा दे दो लेकिन वो आपके सेवक की जो मजदूरी है उसके बाद हो ये नहीं कि आप सेवक की मजदूरी काट करके
300 रुपया किसी को राशन दे के दे दिया और बाद में उसकी जो मजदूरी है वो खा जाओगे, तब भी आप फंस जाओगे, तब भी आप फंस जाओगे। क्योंकि जब आपने मजदूर की मजदूरी खा ली तो फिर क्या हो, है ना। तो इसलिए ये छोटा सा वचन है ना लूका 11:41 के अंदर की चीजें दान करनी है, उन्हें दान करो तो आत्मिक जीवन पाओगे। और ये जो आज मैं वहां पर बैठा हुआ तो मैंने सोचा प्रभु जी बोलूं कि ना बोलूं, जब प्रभु ने स्पर्श किया तब मैं यहाँ पे आया हूं, ये तो मैंने नहीं आना था, ठीक है। इसलिए आपका जीवन बहुत अच्छा है, उसके साथ खड़े रहो, उसके लिए प्रार्थना करो, जो आपके दान दसमंत बनते हैं वो पूरे निकालो, और इन कामों को आत्मा के अभिषेक के लिए करो, तब ये आपके जीवन में बहुत बड़ी उन्नति होगी और फिर आप बुद्धवान स्त्री की तरह काम कर सकेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष।